हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सी मार्स एक्सप्लोरेशन क्वेश्चन इन हैकर एंड एल्गोरिदम। सो यहाँ पे कह रहा है, द स्पेस एक्सप्लोर्स शिप क्रैश ऑन मार्स, दे सेंड सीरीज ऑफ एसओएस मैसेज टू द अर्थ, लेटर्स इन सम एसओएस मैसेज आर अल्टर बाय कॉस्मिक रेडिएशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, गिवन द सिंगल रिसीव्ड बाय द अर्थ एज अ स्ट्रिंग, डिटरमाइंड हाउ मैनी लेटर्स ऑफ एस एस मैसेज हैव बीन चेंजेज बाय रेडिएशन। सो वॉट वी हैव टू डू हियर इज नंबर ऑफ चेंजेस लेटर्स में कितने हुए हैं वो फाइंड करना है। सो यहाँ पे एक एस ओ एस मैसेज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एस ओ एस मैसेज नहीं है, एस की जगह यहाँ पे टी बदल चुका है एंड यहाँ पे भी टी बदल चुका है। सो टू ऑफ द मैसेज कैरेक्टर्स वर चेंज इन ट्रांसमिट, सो आवर आंसर विल बी टू। यही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सो लेट्स टेक यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैसेज है, सो यहाँ पे एक एस ओ एस हो चुका है, देन यहाँ पे एस ओ एस नहीं है, सो यहाँ पे एक चेंज, देन यहाँ पे एक क्यू, टू चेंजेस, यहाँ पे एस ओ एस, यहाँ पे आर आ चुका है, थ्री चेंजेस, सो आवर आंसर विल बी थ्री। देन नेक्स्ट वॉट इज हियर इज अ नेक्स्ट एस ओ एस, यहाँ पे एस ओ टी, एक चेंज आ चुका है, सो आंसर विल बी वन। सो इन दिस वी हैव टू फाइंड, सो लेट्स सी हाउ कैन वी राइट कोड फॉर दिस। सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली रिटर्न करना है आंसर। सो आई विल क्रिएट हियर वेरिएबल फॉर इंट आंसर इक्वल टू जीरो, यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे मैं पहले कोड लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर आइज लेस देन कहाँ तक जाएंगे, यस डॉट लेंथ माइनस थ्री तक जाएंगे, और आई प्लस प्लस करेंगे। दैट मीन्स इफ आई विल टेक एग्जाम्पल, इफ आई विल टेक दिस एग्जाम्पल, सो लेट्स सी, अगर यह एग्जाम्पल है यस ओ एस यस ओ टी, सो यस डॉट लेंथ माइनस थ्री, कितनी लेंथ इसकी, तीन और तीन छः, माइनस थ्री तीन, सो जीरो वन टू थ्री, इस यस तक देखेंगे सब स्ट्रिंग में, यहाँ पे लिखेंगे इफ यस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ आई कॉमा आई प्लस थ्री इज इक्वल्स इक्वल्स यस ओ यस, नॉट इक्वल्स करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल है यस ओ एस के, तो देखेंगे क्या कितने लेटर्स चेंजेस है, और यहाँ पे और एक फंक्शन बनाएंगे आंसर प्लस इक्वल्स टू फाइंड डिफरेंट लेटर्स नाम का फंक्शन बनाएंगे और उसमें पास करेंगे दिस स्ट्रिंग विल बी पास इन दिस फंक्शन एंड आई विल क्लोज दिस, और यहाँ पे i से लेकर i प्लस, यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट प्लस थ्री करनी है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे एस ओ एस को, देन यहाँ पे यस यस ओ एस, फर्स्ट ऑफ ऑल i इक्वल टू जीरो से लेकर तीन थ्री तक एस ओ एस मिलेगा, उसके बाद किधर जाएगा i, i यहाँ पे जाएगा इस एस ओ टी के देखेगा, सो आई इज इक्वल टू आई प्लस थ्री करने का है इस एस ओ टी को देखेगा, द इक्वल नहीं है तो यहाँ पे फाइंड करेंगे कितने डिफरेंट लेटर्स है। सो इस फंक्शन को भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट, और यहाँ पे फाइंड डिफरेंट लेटर्स, स्ट्रिंग एस को यहाँ पे पास कर चुका है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट काउंट इक्वल टू जीरो फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स, और यहाँ पे देखूँगा इफ यस डॉट कैरेक्टर एट पोजिशन जीरो इज नॉट इक्वल टू यस, देन आई विल इंक्रीमेंट काउंट, काउंट को इंक्रीमेंट करूँगा। उसी तरह तीन और दो कंडीशन लिखने हैं हमें, कंट्रोल वी कंट्रोल वी, दूसरा लेटर ओ, ओ होना चाहिए कौन से पोजीशन पे, वन पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे यस होना चाहिए, और लास्ट में रिटर्न करूँगा रिटर्न
काउंट काउंट COUNT काउंट, और इस आंसर में ऐड हो जाएंगे काउंट और रिटर्न करेंगे काउंट को. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस SOS SOT. जीरो से लेकर तीन तक सबस्ट्रिंग कौन सी आएगी? SOS. SOS इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है. सो यहाँ पे मैंने नॉट लिया कहा है. सो दिस विल गिव ट्रू, इक्वल्स गिव ट्रू एंड नॉट हो गए फॉल्स होगा. सो इसमें हम चेक नहीं करेंगे. नेक्स्ट आई क्यू वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी होगी? 0 + 3 = 3. सो 3 लेटर कहाँ पे आएगा? इस यस पे आएगा. और आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 इक्वल टू SOT. SOT इक्वल है क्या SOS के? नहीं इक्वल है. सो यहाँ पे ये फॉल्स देगा और नॉट ऑपरेटर लगाए इसलिए यहाँ पे ट्रू होगा. मीन्स हम फाइंड डिफरेंट लेटर्स देखेंगे. अभी सबस्ट्रिंग को पास करेंगे दैट इट, SOT को यहाँ पे पास करेंगे. अभी SOT यहाँ पे जाएगा. SOT यहाँ पे आ गया तो काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया है. यस देखेंगे पहला लेटर SOT में, पहला लेटर यस है क्या? हाँ है. तो काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे. दूसरा है क्या? ओ हाँ है. तो काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे. टी है क्या यस का इक्वल? नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ द ओनली डिफरेंट लेटर. सो यहाँ पे रिटर्न काउंट को 1 कर देंगे क्योंकि 1 ही लेटर डिफरेंट है. और यहाँ पे आंसर में, यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू, आंसर की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस काउंट की वैल्यू 1. सो आवर आंसर विल बी 1 एंड रिटर्न काउंट, और यही चाहिए था हमें आंसर 1. सो दिस इज वन एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड. अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, सो अगर यहाँ पे इस एग्जांपल को देखूँगा मैं, इसे मैं डिलीट करता रहा हूँ और यहाँ पे देखेंगे SOS SOS SOS. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इक्वल टू 0, लेंथ -3 से लेकर आई +3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से लेकर 3 तक सबस्ट्रिंग कौन सी मिलेगी? SOS. SOS इक्वल टू SOS ट्रू होगा और नॉट ऑपरेटर फॉल्स. सो इसके अंदर नहीं जाएगा. और एक बार इटरेटर फॉर लूप इटरेट होगा. आई इज इक्वल टू आई +3. सो आई यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेगा. 3 + 3 = 6. सबस्ट्रिंग अगेन ये SOS को चेक करेगा. यहाँ पे ट्रू आ चुका है और यहाँ पे नॉट इक्वल ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर लगाया है इसलिए फॉल्स होगा और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. देन नेक्स्ट आई विल बी इंक्रीमेंट. आई +0 3 हो चुका था, 3 + 3 = 6. अभी 6 से लेकर 9 तक की सबस्ट्रिंग देखेंगे. और SOS इक्वल टू SOS है क्या? हाँ है. और यहाँ पे नॉट है तो फॉल्स हो जाएगा. और यहाँ पे फॉर लूप भी ख़त्म हो चुका है. सो इन दिस वे द यहाँ पे क्या हो चुका है? आंसर को रिटर्न करेंगे आंसर. सो आंसर यहाँ पे क्या आ चुका है? 0. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व. नाउ लेट्स रन द कोड. कंपाइलेशन एरर, व्हाट इज एरर? यहाँ पे सबस्ट्रिंग का यहाँ पे पैरेंथेसिस बोल चुका है. नाउ लेट्स रन. सो रन हो चुका है. सैंपल टेस्ट है 012. सबमिट. यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे सारे टेस्ट केसेस. यस ऑल टेस्ट केसेस आर पास. नाउ इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.